नमस्कार। आज पवित्र रामनवमी उपलक्षे सबको मेरा हार्दिक स्वागत एवं सबसे मैं एक अनुरोध करती हूँ कि जैसे राजा श्री रामचंद्र रावण को वध करने से पहले सूर्यवंशीय राजा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किए थे, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़िए, स्तुति कीजिए, गाइए, रोज रोज इसका पाठ कीजिए, तो आपको भी सिद्धि मिलेगी, सब शत्रुओं को आप जय कर पाएंगे। फिर से एक बार मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं प्यार भरा, मेरे स्टूडेंट्स को प्यार भरा आशीर्वाद। सब लोग आदित्य हृदय स्तोत्र को आज से जरूर मेरे साथ पाठ कीजिए, सदा सर्वदा सुनिए, तो आपको भी जरूर सिद्धि मिलेगी, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम। नमो नमः आदित्य हृदय स्तोत्रम्। अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोगः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुम् अभ्यागतो रणम् उपगम्या ब्रवीत् रामम् अगस्त्यो भगवास्तदा राम रामो महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं जैन सर्वानरीन्वश्च समरे विजयिष्यसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनं आयुर्वर्धनमुत्तमम्। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयशो विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्यश तेजस्वी रश्मिभावना एष देवासुरागणा लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दप्रजापति महेन्द्रो धनदकाणो यमः सोमह्यपाङ्पति पितरो बसवशाध्या अश्विनो मरुतो मनु वायुर्वह्नी प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर। आदित्यः सविता सूर्य खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः। हरि
वेदस्वसहस्रार्ची सप्तसप्ति मरीचिमान् तिमिरोन्मथन शम्भु स्तस्त्वा मार्तण्डकोन् सुमान् हिरण्यगर्भ शिशिर तपनो भास्करो रवि अग्निगर्भदितेः पुत्रः शङ्खं शिशिरनाशना व्योमनाथ स्तमो भेदि रुग्जजुषाम पारग घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यविधिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्यु पिङ्गल शर्वतापना कविर्विश्वो महातेजा रक्त सर्वो भवद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावना तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मानमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमाय त्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हरश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नव उग्राय विरय सारंगाय नमो नमः नम पद्मो प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तु ते ब्रह्मस्यानुच्युते साय सूरायादित्यवर्चसे भाष्वते सर्वभक्ष्याय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मनि कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिसाङ्पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणि नमस्तमो विनिघ्नाय रुचये लोकशाखिणे नाशयेते सवैभूतं तमेस सृजति प्रभु पायते स तपति स वर्षते स गभस्तिभिः एष सूक्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठिता एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रीणां देवाश्च क्रतवोश्चैव क्रतूनां फलमेव च जानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभु एनमाप्सु कृच्छ्रेषु कन्तरेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुष कश्चित् अवसीदति राघव पूजयश्वैनमेकाग्रो देवो देवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् ख्याणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्य जगामश यथागतम्
तत्सुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेख्यं जपत्पीदं परं हर्षम् अवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेख्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता मृतस्तस्य वधीभवत् अथ रविरवदत् निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रभृष्यमाण निशिचरपतिसङ्ख्ययं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे आदित्यहृदयस्तोत्रपाठे पञ्चाधिकशततमः सर्गः समाप्तम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।